ए वीडियो में दिखाए और बताए जम्मो कहानी कथा जनश्रुति लोक कहानी की वदंती और सियान मन के बताए अनुसार हावे। एकर ऐतिहासिक घटना और ऐतिहासिक साक्ष्य ले कोनो लेना देना नहीं है और ऐसने घटना घटे है एकर कोनो गारंटी ला हमन हकन के नहीं दे सकन। हमर वीडियो के माध्यम ले काकरो जातीय और धार्मिक भावना ला ठेस पहुँचाए के हमार उद्देश्य नहीं है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास बाबा के वंशज मन उत्तर भारत हरियाणा के नारनौल के रवैया रहीन। सन 1672 में मुगल बादशाह औरंगजेब संग लड़ाई के बाद नारनौल के सतनामी मन उत्तर प्रदेश राज्य उड़ीसा के कालाहांडी जिला में चल दिन। दू चार झिन परिवार वाला मन महानदी के तीरे तीर होवत मध्य प्रदेश राज्य के चंदरपुर में आईस। औरंगजेब फरमान निकाल दे रहीस जेन भी राजा जमींदार मन सतनामी समाज के मनखे मल्ला शरण दिही ओला कड़ा सजा दे जाही। औरंगजेब के डर ले कई राजा मन सतनामी मल्ला पकड़ के औरंगजेब ला सौंप दिन ता कई राजा और जमींदार मन अपन राज ला छोड़ के दूसरा राज मा जाए के छूट ला दे दीस। चंद्रपुर ले होवत महाराजी नवा पारा ला पार करके सोना खान के जंगल में पहुंचीस। गोंडवाना राज होए के सेती मुगल राजा के प्रभाव ह कम रहीस। सतनामी मन बहादुर मेहनती और आत्मनिर्भर रहीन। अपन मेहनत ले जंगल झाड़ी ला काट के खोचका डबरा जगह ला बराबर करके खेती किसानी के लायक जगह ला बना के अपन जिंदगी ला बितावत रहीस। यही सतनामी परिवार में मेदिनी दास गोसाई नाम के परिवार भी रहीस। यही परिवार में नाती के रूप में गुरु घासीदास बाबा ह जन्म लीस। आज ले 264 बछर पहली 18 दिसंबर सन 1756 में बाबा महंगूदास और दाई अमरौतीन बाई के कोखले ग्राम गिरौतपुरी वर्तमान जिला बलौदा बाजार के पावन भूमि में सतनाम धर्म के संत गुरु घासीदास बाबा के अवतरण हुई। जी हां जन्मे बाबा ओ धरती है सब वो जल्ला सरग सरी लगे। गुरु घासीदास बाबा के बचपन हा जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत प्रकृति के बीच में गुजरीस। बाबा के जब बिहाव के उम्र हुईस योग्य लड़की के तलाश करीस तब प्राचीन बौद्ध नगरी सिरपुर के सत्यवान और सत्यवती के लड़की सफुरा ले बिहाव हुईस। घासीदास बाबा और सफुरा माता के सुभद्रा देवी गुरु अमरदास गुरु बालकदास गुरु आगरदास और गुरु अड़गढ़िया दास नाम के पांच जन लड़का हुईस। गुरु घासीदास समाज में फैले जात पात छुआ छूत ले व्यथित हो गए रहीस। जात पात ला समाज के कोढ़ बीमारी कस माने ओकर मानना रहीस कि जब तक ये समाज में जाति पाति वर्ण व्यवस्था रही तब तक हमर देश हा गुलामी करत रही। ये जात पात छुआ छूत ला खत्म नहीं करही तब तक हमर देश हा समाज हा गुलामी करत रही। हमर देश और समाज हा ऐसने में आगू नहीं बढ़ पाही। सतनाम 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 बोल गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम बोल। गुरु घासीदास बाबा हा जानत रहीस कि हमरे मानव समाज के एक भाग हा अपन सुवारत बर पूरा समाज ला गाय गरु जानवर कस चरावत हावे और आपस में लड़ावत है। यही जाति पाति के सेती 100 बछर ले ज़्यादा विदेशी और मुगल मन के गुलाम होवत है। यही बगरत समाज ला एक ठन बनाए बर घासीदास बाबा हा अपन मन में चिंता करत छातागढ़ पहाड़ में औरा धौरा पेड़ के नीचे ध्यान लगा के बैठीस। एक दिन गौतम बुद्ध जैसे बाबा गुरु घासीदास ला सत्य के ज्ञान होइस। बाबा जी के सत्य नाम बोल गुरु।
घासीदास बाबा जी के सतनाम। सत के ज्ञान होए के बाद गुरु घासीदास बाबा ह सात ठन नियम ल बनाइस। पहला नियम, सतनाम को मानो, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, सतमा धरती सतमा आकाश है। दूसरा नियम कही थे, सभी जीव समान है, जीव हत्या पाप है, पशु बलि अंधविश्वास है। तीसरा नियम, मांसाहारी मत बनो, नशा मत करो। चौथा नियम, मूर्ति पूजा मत करो। पांचवा नियम, दोपहर में हल मत जोतो। छठवां नियम, पर नारी को माता जानो, आचरण की शुद्धता पर जोर दो। सातवां नियम, चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है, सादा जीवन उच्च विचार रखो। एकर अलावा और गुरु घासीदास बाबा हा 42 ठन अमृतवाणी बोले है। सत हा मानव के आभूषण आए, मनखे मनखे एक समान, पानी पीहू छान के, गुरु बनाहू जान के। अपन ला हिनहर और कमजोर झन मानहू, सत ला कमजोर झन मानहू। जैसे खाबे अन्न तैसे बनही मन। ऐसने और बहुत सारा नियम सिद्धांत बनाए हैं अमृतवाणी बोले हैं। जी हाँ, सब वो संत समाज जाके पाथन जीवन के उद्धार, जीवन के उद्धार। ये सत के मार्ग ला बगराए बर अपन घर द्वार परिवार ला गुरु घासीदास बाबा हा छोड़ दीस। समाज के कल्याण और छुआछूत जात पात के भेदभाव ला दूर करके एक ठन समाज बनाए बर निकल गए। धीरे धीरे मनखे मन में बाबा के बताए रद्दा हा फैलत गीस। अब मनखे मन बाबा तीर अपन रोग शोक ला दूर भगाए बर आवाए। मनखे मन अब बाबा ला चमत्कारी बाबा समझत गीस। बाबा के शरण में आए ले मनखे मन के रोग दोष धुरिया होवत गीस। बाबा हा संदेश दीस, चमत्कार हा मनखे मन के विश्वास ऊपर काम करते। अब समाज के मनखे मन बाबा के चेला बनत गीस। बाबा हा समाज सुधार के बेड़ा ला उठाइस और पूरा छत्तीसगढ़ में रेंगत रेंगत यात्रा यानी कि रावटी करीस। रावटी माने धर्म के चर्चा करे बर मनखे मन ला एक जगह बुला के चर्चा करते, ओला रावटी कहते। एला आप मन धर्म सभा भी बोल सकता हो। घासीदास बाबा सत्य के प्रचार करे बर गुरु घासीदास बाबा के सात ठन रावटी हा मिलते। बाकी औ बिकट अकन रावटी करे है लेकिन सात ठन हा लिखित में हावे। घासीदास बाबा सत्य के प्रचार करे बर अपन पहली रावटी में गिरौदपुरी ले 400 किलोमीटर दूरिया बस्तर के ग्राम चिरईपदर पहुँचीस। वो समय में सोन खलिहा नाम के राजा रहीस। दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि देके प्रथा चलत रहीस। ये क्षेत्र में जाके बाबा हा नर बलि के खिलाफ प्रचार करीस और मनखे मन ला सत ज्ञान अहिंसा भाईचारा और मानवता के शिक्षा दीस। एकर ले वो क्षेत्र के मनखे मन हा बाबा के चेला बन गए। दूसरैया रावटी यानी धर्म सभा में बाबा जी हा कांकेर पहुँचीस। कांकेर के राजा हा बाबा के परीक्षा लेना चाहिस। बाबा के सत वचन ज्ञान हा राजा के मूड़ी ला गड़िया दीस और कांकेर मा घलोक सतनाम धर्म के झंडा लहराइस। तीसरैया रावटी में दुर्ग और राजनांदगांव मोहला पहुँचीस। ये यात्रा में गोड़ी धर्म के महिला पुरुष मन हा बाबा के सत मार्ग ला अपनाइस। चौथा रावटी धर्म सभा में बाबा डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध देवी धाम बमलेश्वरी मंदिर पहुँचीस। मंदिर में दुर्गा नवमी और राम नवमी में मनखे मन अपन मन्नत ला पूरा करे बर कोरी कोरी छेरी पटरू कुकरी मन के बलि चढ़ावत रहीस। एला देख के बाबा जी के मन रुवासी होगे। तब बाबा हा आदमी मल्ला सावधान करीस और बोलीस, अपन सुख ला भोगे बर
तुमन बेजुबान जानवर मन के बलि चढ़ात हो, ये पाप हरे। सच्चा सुख चाही ता अपन कर्म ला सुधारो, जीव हत्या ला बंद करो, तब जीवन सफल होही। देवी पूजा चाहते ता ओला सच्चा मन ले पूजा कराओ, दिया जलावो जवारा बोवाओ, फिर जीव हत्या झन कराओ। पांचवा राउटी में गुरु घासीदास बाबा अपन चेला मन संग राजनांदगांव के गंडई क्षेत्र गीस। ये क्षेत्र में विकट जन मनखे मन ला कोढ़ रोग लगे रहीस। छूत बीमारी मान के ओकर घर वाला मन घलो रोगी मन ला छुवत नहीं रहीस। तब बाबा हा महीना भर रुक के सेवा करीस और बाबा के सेवा ले रोगी मन ठीक हो गए और परिवार वाला मन फिर अपना लीस। घासीदास बाबा हा धर्म के संगे संग मानवता वाला काम ला भी करत रहीस। छठवा राउटी में बाबा जी कवर्धा के भोरमदेव मंदिर गी, जिहां रोज के बाबा बैरागी मन आवत जावत रहे। बाबा बैरागी मन ला घासीदास बाबा के बारे मा शंका रहे। जब बाबा जी ले गोठ बात करीस, धर्म के बात करीस, तब बाबा के सत्य के मार्ग और आदमी मन के भला के रास्ता ला चुने देख के मुड़ी झुका दिन। गुरु घासीदास बाबा ला अपन गुरु बना के बाबा के सत्य के रद्दा ला स्वीकार करी। सातवा राउटी में घासीदास बाबा हा बिलासपुर के दलहा पोड़ी नाव के जगह में गे रहीस। यहाँ सतनामी समाज वाले मन के बने विकट जन मनखे मर रहे और अपन रूढ़िवादी पुरातन विचारधारा में अड़े रहीस। घासीदास बाबा के विचार ला मानिस नहीं है, तभो ले बाबा हा धर्म प्रेमी रही से धीरे धीरे सतमार्ग के महत्व ला समझाइस और उहां के मनखे मन हा सतनाम धर्म के सतमार्ग ला अपने। ऐसने उड़ीसा, जबलपुर, मध्य प्रदेश बहुत जगह राउटी करीस। जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ी बोली भाखा रही से उहां उहां बाबा हा अपन सत के मार्ग ला फैलाइस। घासीदास बाबा अनपढ़ होए के बाद भी खुद महाज्ञानी रहीस। अपन आत्मज्ञान ले जीवन भर के मार्ग में चलीस और समाज में सतनाम के भावना ला जगा के सत्य के रद्दा ला दिखाईस। सतनाम में जाति धर्म के कोनो भेदभाव नहीं है। हर वो आदमी सतनाम है जे सत्य के मार्ग ला अपना थे। सतनाम के प्रभाव छत्तीसगढ़ के पहली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह ऊपर भी पड़े रहीस। दिन बीते के बाद घासीदास बाबा हा भंडारपुरी ला कर्म स्थल बनाईस और गुरुद्वारा के स्थापना ला करीस। समाज में सतनाम के प्रभाव और मनखे मन में जात पात के भेदभाव ला दूर होवत देख के सतनाम धर्म के विजय के रूप में जैत खाम के स्थापना करीस। गुरु घासीदास बाबा के अंतर्ध्यान होए के सटीक जानकारी तो नहीं मिले, फिर 1850 ईस्वी में भंडारपुरी में माने जाते। अगला वीडियो में आप मल्ला सतनाम धर्म के विजय के प्रतीक जैत खाम के बारे में पूरा जानकारी ला बताऊं। सतनाम 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 बोल गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम बोल। गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम बोल। गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम बोल।